दोस्तों, वर्ल्ड वाइड टाइगर्स की गिरती संख्या को देखते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जो वर्ल्ड के 7 मेजर कैट स्पीशीज जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण यानी कंजर्वेशन पे ध्यान देगा। इसमें सभी बड़े बड़े देश पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइगर्स का संरक्षण क्यों किया जाता है और ये क्यों जरूरी है? क्या होगा अगर टाइगर्स एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाएं? अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली जब मॉरिशस में डोडोस बर्ड की प्रजाति विलुप्त हुई थी तो उसके साथ ही वहां पे बबूल पेड़ की एक प्रजाति भी उगना बंद हो गई थी। यानी जब कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो वो अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ जाती है जिससे पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये टाइगर सेविंग प्रोजेक्ट सिर्फ एक ब्यूटीफुल एनिमल को सेव करने के लिए नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट के पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए है, जो हमें साफ हवा और पानी देते हैं और एक स्टेबल टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए बेसिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।